हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं विजुअलाइजिंग द डेटा। तो आई होप पिछले क्लास में आपको काफी अच्छा लगा हो। इट मे डिड द पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स, ठीक है। लेकिन आज की क्लास काफी डिफरेंट होने वाले हैं। आज हम एक्सेल को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं और कैसे हम अपना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी वर्कबुक को या अपने डैशबोर्ड को, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, लेट अस गो टू द इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट में हम पहले देखेंगे कि आप इसमें अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर का जो आइकन है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे मेरा टेक्स्ट बॉक्स अगर यहाँ यहाँ पे क्रिएट करना है, आई क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी अ टेक्स्ट बॉक्स हैज बीन एडेड। ठीक है, आई से हाई, वेलकम टू एडवांस्ड एक्सेल। ओके, अब ये इसमें एक खास बात ये है कि आप इसको कितना भी चाहे रिसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये जो है जो अपना एक्सेल की फॉर्मेटिंग है, एक्सेल की सेल्स हैं उस पे, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हाय आई एम फ्रॉम पेप कोडिंग। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इसकी आउटर आउटलाइन पे ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला बार में अगर मैं इक्वल्स टू ये वाला टैब पे क्लिक करके एंटर पे मार दूं, तो जो मेरा टेक्स्ट उसके अंदर था वो डिफरेंट हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम दिस टैब। इसे बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, और ध्यान रखिएगा ये आपके काफी काम भी आने वाला है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के अलावा हम इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेप्स, सो लेट मी इंसर्ट अ शेप ओवर हियर। इसको जरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया, और हाय आई एम फ्रॉम पेप कोडिंग, और यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट भी डाल सकती हूँ। आई जस्ट नीड टू ऐड अ टेक्स्ट हियर, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट ऑन अ शेप, सो यू कैन ऐड एनी थिंग ओवर हियर। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, शेप को फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसकी इसका कलर चेंज करना हो, सब उसके आई वॉन्ट टू पुट दिस कलर, ठीक है, और इसकी शेप आउटलाइनिंग में सपोज मुझे कोई आउटलाइनिंग चाहिए, या मुझे एक स्टैंडर्ड थोड़ी डार्क आउटलाइनिंग चाहिए, यहाँ पे मैं आप इसकी शेडो वगैरह भी डाल सकती हूँ, ठीक है। लेट्स मेक इट आउटर शेप सो दैट इट स्टैंड्स आउट अ लिटिल। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट अदर शेप सच एज एन एरो, इसको हम फटाफट करते हैं। हमने यहां से इसको रेफरेंस दे दिया, मतलब कि दिस वॉज रेफरेंस फ्रॉम हियर। इसमें भी मैं मेरे इफेक्ट्स वगैरह डाल सकती हूँ, ये आपके काफी काम आएगा जब आप अपनी एक्सेल पे वर्कशीट्स बनाएंगे, और जब आपको रेफरेंसिंग देनी होगी कि अच्छा यहाँ का डेटा यहाँ से लिया हमने, वहाँ का डेटा वहाँ से लिया है हमने। ओके, सो इट विल कम अ लॉट इन हैंडी इफ यू रिमेम्बर दिस। ओके, इसमें भी मेरे पास काफी सारी आउटलाइन है, सो आई कैन डू एनीथिंग दैट आई लाइक फ्रॉम हियर। एक और चीज, अगर मुझे ये शेप अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो आई कैन एडिट द शेप फ्रॉम हियर, चेंज शेप। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अ स्क्वायर, तो मेरा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको दोबारा से इसकी रिसाइजिंग कर सकती हूँ, एंड आई कैन इवन मूव इट। ओके, क्लियर। सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल ऑप्शंस दैट यू हैव इन योर एक्सेल। चलिए और देखते हैं हम इसमें और क्या इंसर्ट कर सकते हैं, वी हैव अ पिक्चर्स, ठीक है। अगर मेरे डिवाइस के ऊपर आपके पिक्चर्स हैं, यू कैन गो फ्रॉम दिस डिवाइस, वरना ऑनलाइन पिक्चर्स भी अवेलेबल है। लेट्स गो फॉर एन ऑनलाइन पिक्चर नाउ, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन बर्ड्स, यहाँ पे आई एम लैकिंग दिस वन। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ की पिक्चर आ गई, ठीक है। तो अपने अपने काम के हिसाब से जो है आप यहाँ पे अपनी अपनी चीजें इधर ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से यहाँ पे
दिस फोटो इज बाय अनऑथराइज्ड एंड सेंड दिस। तो अगर आप चाहें तो आप इसे अंडरगो यहाँ पे रख सकते हैं। डू रिमेंबर, आप अपना रेफरेंस दे दीजिएगा, वरना यहाँ पे अगर आप कहीं ऑनलाइन इसको पब्लिश करते हैं तो आपके पेटेंट के इश्यूज आ जाते हैं। तो रिमेंबर दैट। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी विजिबल हैं, तो लेट मी गो फॉर दिस फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे आई कैन फिल द पिक्चर बॉर्डर्स कि मुझे क्या मेरा बॉर्डर भरना है। लेट्स गो ऑन द ब्लू वन। पिक्चर इफेक्ट्स में मैं इसमें शेडो दोबारा दे सकती हूँ इधर। ठीक है, अच्छा, और इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें मेरे मुझे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस इधर मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आपका है पिक्चर करेक्शंस। पिक्चर करेक्शंस आपका यहाँ पे भी आता है और आपका यहाँ पे भी आता है ऑन दी अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। यहाँ पे आपको इसके कुछ इफेक्ट्स अपने आप देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको ऐसे हम करेक्ट पर कर देते हैं पिक्चर को। नाउ यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा, और इसमें क्या कर सकते हैं, आई कैन ऐड रिफ्लेक्शन जो कि पहले से है, शेडो, ग्लो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसको 3D फॉर्मेटिंग भी दे सकती हूँ। ओके, अगर मुझे इसको सपोज कि रोटेट करवाना है तो इसके लिए मैं 3D रोटेशन पे जाऊँगी एंड आई कैन रोटेट इट फ्रॉम हियर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर पूरी की पूरी 180 डिग्री रोटेट हो चुकी है। ठीक है, दोबारा से वहीं पे आने के लिए हम इसको दोबारा इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, सो गाइस दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर। और ये आपके आप अलग अलग काम की जैसे आपके अलग अलग काम आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, चलो इंसर्ट में हमने पिक्चर्स को ऐड करना देख लिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं जरा देखते हैं। पिक्चर्स में ही हम लोग, अच्छा, हम लोग यहाँ पे 3D मॉडल्स भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एनाटॉमी के मॉडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसको देखते हैं। लेट्स इम्पोर्ट अ मॉडल ऑफ अ किडनी। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू इम्पोर्ट बिकॉज इट्स अ 3D मॉडल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे मूव करा, थोड़ा सा इसको रीसाइज करते हैं। ओके, Now I can literally see what is happening over here. Okay, so these are the 3D models. अब मैं इसको rotate कर रही हूँ। I can rotate from any angle. 360 में कभी भी इसको rotate कर सकती हूँ। So we never knew कि Excel पे ये सब भी हो सकता है। So use these things according to your requirements. Alright, and they come very handy when you are making your dashboards and when you have to represent something. Okay, तो चलिए। ओके, तो एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ डेटा है वो फटाफट हम लोग इसको अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करके देखते दैट व्हाट कैन हैपन इन देयर। ठीक है, मेरे पास ये डेटा है जो हमने फूड स्टॉल लगाया था ना उसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स ऐड अ न्यू शीट। ओके, अब इस न्यू शीट में मैं ये डेटा को डालती हूँ। जरा ये काम करते हैं, डेटा को यहीं से हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है मेरा, दिस इज फूड स्टॉल लिस्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे, लेट्स से ये अपनी न्यू दिल्ली की है। ओके, और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारी पेपकोडिंग। सो मैं इस डिवाइस में से पेपकोडिंग की फोटो को इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, लेट्स शिफ्ट इट ओवर हियर। ओके, ये अपना यहाँ पे आ गई, इसको पहले से रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, आई लाइक द रिफ्लेक्शन फीचर ओवर हियर, थोड़ा सा साइज और स्मॉल। चलो अब क्या करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन, आई कैन कलर इट। ठीक है, मैंने इसको ये कलर दे दिया, थोड़ा सा इसको अलग रखने के लिए लेट्स गिव अ डिफरेंट कलर हियर, अ लिटिल बिट ऑफ डार्कर वुड बी फाइन। ठीक है, और इसके एंडिंग के लिए लेट्स गिव अ डिफरेंट कलर ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, पेप कोडिंग थोड़ा सा इसके साइज के हिसाब से वी विल शिफ्ट इट। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है, अब पूरा फिट आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसमें क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट। ओके, टेक्स्ट बॉक्स के लिए दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये सेम कलर का है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर कर, एक सेकेंड, हमारे पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन उधर खुल जाएगा। यहां से मैं इसकी शेप फिल कर देती हूँ एकदम वाइट, बिकॉज आई लाइक वाइट। शेप आउटलाइन में इसकी करते हैं नो आउटलाइन, और इफेक्ट्स में इसको थोड़ा पॉप आउट करने के लिए इसको किसी शाडो दे देते हैं। अब दिख रहा है ना। चलो अब दोबारा से ही हम ऐसा सा ही एक अपना शेप बॉक्स को, लेट अस कॉपी दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अपना एक और आ गया, अगेन कंट्रोल वी, एक और आ गया। ठीक है, दोबारा से लेट्स पुट इट अप हियर एंड दिस दिस वन एज वेल, इसको भी जरा यहाँ लगाते हैं, तो हमारे थ्री डायलॉग बॉक्सेस बन गए। ठीक है, तो चलो अब अगेन लेट्स गो टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे एक और फटाफट इंसर्ट करा जाए। ठीक है, तो इसको हम प्राइस देते हैं, नाम देते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा कॉस्ट प्राइस या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर काम करो सेल एफ टेन से करते हैं। अब मुझे पता है कि हाँ मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर दबा दूंगी, कॉस्ट प्राइस अपना आ गया। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर ली जाए, शेप फॉर्मेट पे जाके सब कलर हल्का सा ब्लू करते हैं, या ब्लू नहीं, लेट्स गो फॉर दिस वन। ठीक है, ब्लू कर दिया। अब यहाँ पे भी लेट्स इसी की कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब ये कॉस्ट प्राइस के तो रहेंगे नहीं, किसी और चीज के रहेंगे, किसके रहेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेल प्राइस के इक्वल्स टू कर देंगे। सेल प्राइस किस पे अपनी, यहाँ पे इक्वल्स टू, इसको हम चेंज कर देंगे एंड वी विल मेक इट इक्वल्स टू प्रॉफिट। और सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना आपको, यहाँ पे नहीं लिखना आपको, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू प्रॉफिट, एंटर। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप कोई भी चेंज यहाँ पे करते हैं ना, जैसे कि मैंने कोई चेंज यहाँ पे प्रॉफिट की जगह सपोज मैंने प्रॉफिट्स लिख दिया एंटर मार के, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरा जो है प्रॉफिट्स आ जाएगा। ओके, व्हाट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट डाउन ओवर हियर। चलो अब ये हमने थ्री डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस बना दिए हैं हमारे इसके। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ पिवट चार्ट। कैसे बनाएंगे, ये पूरा बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पिवट टेबल। ठीक है, मुझे नई वर्कशीट में चाहिए सो दैट मेरा अच्छे से मुझे दिख जाए, मैं काम कर सकूं, तो ओके पे जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार काट देते हैं, वी डोंट नीड इट। अब फटाफट, जैसे हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था, हम इसमें अपनी नई नई चीजें जो है वो इंसर्ट करते रहेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे चार्ट में फूड चाहिए, फूड होगा मेरा रोज में। ठीक है, कॉलम्स में होगी कॉस्ट प्राइस। ओके, नहीं, कॉस्ट प्राइस होगी मेरी वैल्यू में। ओके, तो आलू फूड हो गया और यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। अब इसका मुझे पिवट चार्ट बनाना है। ठीक है, तो आप किस टाइप का चार्ट प्रिफर करते हैं, लेट्स गो फॉर अ पाई चार्ट, पाई या फिर डोनट, पाई चार्ट ही चलते हैं। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करो, मेरा पे पाई चार्ट आ गया। ठीक है, एक काम करेंगे, अच्छा पाई चार्ट में हमें पता है हमें क्या क्या, आपको पता है हमने पहले सिखा रखा है। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, आई कैन चेंज इट, इसको नाम देते हैं कॉस्ट प्राइस। यहां से हमारा नाम जो है वो अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ शेप फिल। ठीक है, जो भी आप कलर आपको पसंद आए आप फिर कर सकते हो। लेट्स गो फॉर वाइट, नहीं, वाइट तो खराब लगेगा, तो ब्लैक, चलो फॉर एक्सट्रीम के लेट्स गो फॉर ब्लैक। ठीक है, जैसे आपने चेंज किया ध्यान दिया, देखिएगा आपके इधर भी आलू टिक्की का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, सो ये था हमारा पिवट टेबल और पिवट चार्ट। अच्छा, अब हमने ये बनाया क्यों है, इसको एक काम करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, और हमारी शीट टू थी, नहीं शीट वन थी,
इसको हम यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, हमें कौन सा रखूंगी। पेस्ट हमें सिंपल एज अ पिक्चर पेस्ट नहीं करना है, हमें अपने सोर्स की फॉर्मेटिंग रखनी है। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे ना तो वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। कैसे? अच्छा, आपको बस रिफ्रेश करना है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बढ़ा के इफ आई पुट 60 ओवर हियर, तो मेरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाके देखो पिवट टेबल में, बस यही यही चीज होती है, आपको ना बार बार चीजें रिफ्रेश करनी पड़ती हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दो और आपका चार्ट डिफरेंट हो जाएगा, और वही चीज जो है आपकी वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस का थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके आई पिक इट अप टू हियर, ठीक है? थोड़ा सा मेरा अलग आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया, ठीक है, इसको काट देते हैं। यहाँ पे मैं कोई चीजें रिमूव कर सकती हूँ? नहीं, छोड़ो। ओके, तो सी व्हाट एल्स कैन बी फॉर्मेट ओवर हियर। ओके, तो इसमें अभी हम ज्यादा इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, इधर एक काफी अच्छा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज दी एडिट ऑल्ट टेक्स्ट। अब ये एडिट ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, एडिट ऑल टेक्स्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये उनके लिए होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो अगर उनको वो चीज़ अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा एक टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ पाई चार्ट फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अब आपने ये डाल दिया, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे इमेज पे तो आपका ये विजिबल उधर रहेगा, ठीक है? चलो बढ़िया। अच्छा, और अच्छा हम देख रहे थे फॉर्मेट चार्ट एरिया, ठीक है? अब इसमें आप अपने हिसाब से अब इसको फिल कर सकते हैं। इफ आई गो ऑन ग्रेडियंट फिल, तो ये मेरा ग्रेडियंट आपका मिल जाएगा, पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसमें अलग अलग टाइप के आपके फिल्स इधर अवेलेबल है। आई एम लाइकिंग दिस सो आई विल गो फॉर दिस, ठीक है? फिल के अलावा आपके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, बॉर्डर, बॉर्डर इसमें सॉलिड लाइन बना देते हैं ताकि अच्छा लगे। फिर इसके बाद इसमें आपको शेडो भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? लेट्स गो फॉर द साइज ऑफ द शेडो, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ से आपको नहीं चलते तो अब यहाँ से भी अपनी वैल्यूज को है वो बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये था हमारा पिवट टेबल फॉर द कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल प्राइस का भी बनाते हैं। कैसे? कम बैक हियर, ठीक है, कम बैक हियर। अब दोबारा से हम हमारी पिवट टेबल की हम लोग शीट पे जाएंगे, ओके, एंड वी विल अगेन इंसर्ट। अच्छा हाँ, पहले इसके लिए हम लोग यहाँ से भी इंसर्ट अपना पिवट चार्ट कर सकते हैं, पर लेट्स डू इट फ्रॉम हियर ओनली। यहाँ से लेट्स गो टू आर पिवट टेबल एनालिसिस, यहाँ पे मुझे मिल जाएगी फील्ड लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट कहीं पे भी खो जाए, क्या करना है, पिवट टेबल एनालिसिस फील्ड लिस्ट, ओके? कोई डाउट है देन यू कैन अगेन रिवॉच द वीडियो ओवर हियर। अब इस बार मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए है, दिस टाइम आई वॉन्ट द सेल प्राइस, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, वैल्यूज में आई पुट सेल प्राइस, और इसको हम अभी के लिए हटा देंगे। तो मेरा सेल प्राइस का चार्ट अलग आ गया है। तो अगेन व्हाट आई विल डू, यहां से मैं इधर सेल प्राइस लिख देती हूँ। अच्छा, आप चाहे तो हमारा कॉस्ट प्राइस वाला जो पिवट टेबल था आप उसे भी उस जगह पे डाल सकते हैं, बट मैंने चार डाल दिया है, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कंडीशंस, योर वर्क रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको वो जरूरत पड़ेगा तो यू कैन ऐड दैट एज वेल। तो ये है मेरी सेल प्राइस। इसका चार्ट टाइप चेंज करते हैं। तो चार्ट टाइप चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप, ओके? इस बार मुझे एक बार चार्ट चाहिए, तो वी विल क्लिक ऑन द बार। अब देखिए, अब आपका अलग अलग तरीके से आपकी सेल प्राइस आ गई है। एज ऑलरेडी मेंशन, पिज्जा की प्राइस सबसे ज्यादा इधर हाई है, तो व्हाट आई विल डू, अच्छा अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट का एरिया हम लोग घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सो आई कैन डू दिस, इवन बाय डूइंग दिस आई कैन चेंज द होल एरिया ऑफ द चार्ट, ओके? चलो बढ़िया। अब इसको हम वही चीज करेंगे, वी विल कॉपी,
और जो हमारी शीट है जिसे हम यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, वहीं पे पेस्ट के ऑप्शंस में जाके वी विल कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग। ओके, चेंज द साइज वंस अगेन एंड वी विल कीप इट हियर। अच्छा, अब जैसे मुझे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा जो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं सेल्फ प्राइस को डिलीट कर देती हूँ, ताकि क्योंकि ऊपर तो सेल्फ प्राइस लिखा हुआ है, आई वोंट नीड इट, राइट। तो इसको सेल्फ प्राइस को लिख करके वी एड इट ओवर हियर। ठीक है, बढ़िया। अब से मिला ली हम लोग प्रॉफिट्स के लिए भी अपना ये टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, फटाफट बना के देख लेते हैं। यू गाइज ड्रॉ इट विद मी। ठीक है, अगर आपको खुद प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, देन आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अपने आप बेटा प्रैक्टिस करते रहेगा। तो क्या करना है, प्रॉफिट्स को वैल्यूज में डालना है, इसको हटा दो। ठीक है, अब अपना ये आ गया। अब मुझे इसमें अच्छे से दिख रहा है कि मेरा कितना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट किस में मैक्सिमम जा रहा है, किस में नेगेटिव जा रहा है। अब इसमें देख रहे हैं, चलिए काम करें, थोड़ा सा इसका चेंज चार्ट टाइप करके देखते हैं कि और किस में अच्छा दिख सकते हैं। देखिए, एरिया में अच्छा नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। इस वाले चार्ट में भी ठीक ठीक दिख रहा है, लेकिन आपको जो परफेक्ट चीज़ है, यू कैन फाइंड इन लाइन चार्ट एज वेल। लाइन में भी आपको एक काफ़ी अच्छा प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक है, कॉलम चार्ट में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, वे यू कैन सी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज, आप उसमें जाइए। ठीक है, लेट्स गो फॉर द कॉलम चार्ट फॉर दिस वन। अगेन वी विल कॉपी इट। ओके, एंड लेट्स गो बैक टू आवर शीट। अगेन दोबारा से इसका पेस्ट ऑप्शन को चेंज करते हैं, वी विल कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग। ओके, चेंज द साइज ऑफ इट एंड कीप इट ओवर हियर। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि मैं डेटा थोड़ा सा अच्छे से इधर नहीं दिख रहा है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस को डिलीट कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा अच्छा लगा ये, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज हम कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाके हम इसमें वही जो हमने पहले करा था, वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल, रीसेट टू मैच साइज। तो अगर हम इस पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं, देन यू कैन सी व्हाट ऑल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने डिफरेंट टाइप के अच्छे से बनाए। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि अब मेरा अच्छे से डाटा बहुत विजिबल हो रहा है, कि मेरे को दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस का क्या कितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, सेल प्राइस में किसका सबसे ज़्यादा है और प्रॉफिट्स मेरे किस में ज़्यादा या किस में नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, सो गाइस, ये था अपना चार्ट। अच्छा, और अगर मैं इसको टेबल में बनाना चाहूँ, तो इसको टेबल में बना के कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, अगेन आई हैव टॉट यू दिस बिफोर, इंसर्ट टेबल, टेबल का आप मांगेंगे बस। ठीक है, तो ये आपकी बन गई प्यारी सी टेबल। आपको ऐड करना है कुछ और कॉलम, तो यहाँ पे कर दीजिए ऐड, दैट्स इट। आपका ये भी आपके कॉलम के पार्ट में आ जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑल्सो वी हैव डन। तो गाइस, विजुलाइजेशन में एक और चीज देखते हैं कि हम लोग हमारे चार्ट के साथ और क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया, तो मेरे यहाँ पे काफी ऊपर ऑप्शंस खुल गए हैं, आई हैव पिवट चार्ट एनालिसिस एंड डिजाइन। तो चलिए डिजाइन पे देखते हैं। डिजाइन पे हमारे पहली बात हम देख रहे हैं कि काफी अलग टाइप के डिजाइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम तो वही चूज करेंगे। ओके, सो आई लाइक दिस वन, दिस लुकिंग वेरी कूल, ये भी अच्छा है, इस पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देख लिया। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्विक लेआउट, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स की मदद से मुझे दिखाएगा कि मेरा चार्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेआउट की मदद से मेरा चार्ट कैसा दिख रहा है। अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ट योर ड्रॉइंग एंड ऑन योर वैल्यूज। ठीक है, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज क्योंकि मुझे इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज भी नीचे दिख रही है, सो आई एम लाइकिंग दिस वेरी मच। चलिए इसी के साथ चलते हैं। और हम इसमें कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम एलिमेंट्स ओवर हियर, जैसे कि अगर मुझे कोई एक्सेस ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऐड है, इसमें प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस
एक्सेस टाइटल्स, मैं चाहूँ तो इसमें टाइटल लेट्स ऐड ओनली, ये क्या कर सकते हैं इधर, इसमें हम वैल्यू भर देते हैं प्राइस, ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यू भर सकते हैं लेट्स क्लिक, अच्छा ये जाँच, अगर कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी वापस हो जाता तो दोबारा से डिजाइन में जाके क्विक लेआउट या सॉरी एड चार्ट में एक्सेस टाइटल्स में आप प्राइमरी वर्टिकल में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप क्या भरेंगे, लेट्स फिल ओवर हियर, अच्छा सॉरी प्राइस वो था ना, कोई नहीं, ऑल्दो आपको सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन ऐड। तो यहाँ पे हम डालते हैं फूड आइटम्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं फूड आइटम्स इन द एक्स एक्सिस, एक्सिस आइटम्स में जाके प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लेट अस ऐड फूड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया, और हम लोग इसमें क्या डाल सकते हैं, क्लिक ऑन द चार्ट एंड क्लिक ऑन एड एलिमेंट्स, इसमें हम लोग हमारी ग्रिड लाइंस डाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी, और यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गई प्राइमरी मेजर वर्टिकल, इसमें आपकी ग्रिड लाइन ज्यादा हो गई है। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आपके आपका जो आपने चूज करा है वो कितना है, आपका रेंज कितनी है, और आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज आपको चाहिए, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लग रही है, लेट्स गो फॉर दिस वन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना जो है अलग अलग तरीके से अपना इसको यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा यहाँ पे वी कैन ऑल्सो चेंज द चार्ट कलर्स इफ आई वॉन्ट, आई कैन चूज एनी ऑफ द बिलो, लेट्स चूज दिस वन, ये तो कुछ ज्यादा ग्रे हो जाएगा, चलो ब्लू, लेट्स कीप इट दिस ओनली, ठीक है। सो गाइस दिस इज हाउ यू विजुअलाइज योर डेटा, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन इजिली सी। अगर हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाएं तो वी कैन सी कि अपना काफ़ी अच्छे से हमें सब कुछ विजिबल है। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे तो एडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे एडिट क्यों नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा जो ये डाटा है वो इस डाटा पे डिपेंडेंट है, वो इस डाटा पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे लेके आनी है तो आपको दोबारा से वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी कॉपी या पेस्ट करने से पहले अपनी सारी एडिटिंग सारी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है तब इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमने स्पार्क लाइंस पढ़ी है, हमने चार्ट्स पढ़े, हमने टेबल्स भी पढ़ लिए, तो आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा विजुअलाइजिंग ऑफ डेटा, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे वीबीए मैक्रो, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको कोई भी इशू हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस इमिजिएटली एंड यू विल रिजॉल्व इट, और अपड आई वुड गिव वन एडवाइस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब एक दिन में नहीं होता, जितना प्रैक्टिस जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही अच्छा है, यू हैव थाउजेंड ऑफ ऑप्शंस, एक्सप्लोर देम, कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं, दोबारा से खोल लेना, पीसी शट डाउन कर देना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द फॉर्मुलेज, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद एवरी रिबन दैट यू हैव इन हियर, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन शेयर इट टू अस, एंड इफ यू मेक एनी कूल पिक्चर्स और इफ यू मेक एनी कूल एक्सेल स्प्रेडशीट्स देन डू सेंड इट टू अस ऑन nardoz.com, ओके। यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं एंड वी विल सी इट, ओके गाइस। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑन VBA मैक्रो।